फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने अपने छोटे बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है उसके बारे में कुछ सजेशंस होंगे। अब पिछले 2-2.5 महीने से देखिए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ना अपने फ्रेंड्स के साथ खेल पा रहे हैं, ना ही पेरेंट्स उनको कहीं घुमाने ले जा पा रहे हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी एक ये समस्या बनता जा रहा है कि बच्चे जो है उज्जती होते जा रहे हैं और ना वो किसी की बात मानते, तो उन्हें भी लगता है कि हम उन्हें कैसे हैंडल करें। तो अब बच्चे ये जो बूढ़ी होते जा रहे हैं उनकी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है उसके बारे में आइए देखते हैं कि क्या ऐसी हम कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे हमें बच्चों के अंदर में उज्जतीपन को भी हम कम कर सके और साथ साथ में हम उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर सके। तो पेरेंट्स के लिए सबसे पहले ये देखना और समझना जरूरी है कि वो बच्चे को किस तरह का माहौल दे रहे हैं, क्या जो वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं वो कंड्यूसिव है, क्या वो सौहार्दपूर्ण है, क्या वो खुश एनवायरनमेंट है। क्योंकि बच्चे जो हैं, ये छोटे छोटे बच्चे अपने आसपास के वातावरण से ही सब कुछ सीखते हैं। अब वो देख रहे हैं कि उनके माँ बाप किस तरीके से बात करते हैं, क्या वो छोटी छोटी चीज के ऊपर नाराज हो जाते हैं, क्या जोर से बोल रहे हैं। ये सब छोटा सा एक बच्चा जो है वो बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा है और साथ साथ उसी से बहुत कुछ सीख रहा है। इसीलिए बच्चों के सामने कोई भी ऐसी बात ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें जिससे बच्चे के छोटे मन के ऊपर बुरा प्रभाव हो। अक्सर ये बात भी देखी जाती है कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चा जिद इतनी पकड़ लेता है कि वो फिर किसी की उस समय बात नहीं सुनता। अब इसके लिए हमें धीरे धीरे एक तो पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस से ही ये जिद्दीपन जाएगा। क्योंकि अब जिद्दीपन पकड़ लिया है तो अचानक से तो नहीं जाएगा। तो उसके लिए मेरा ये सजेशन है कि बच्चे को हमें इम्पोर्टेंट फील करवाना है। अब हम इम्पोर्टेंट उसको कैसे फील कराएंगे उसके लिए भी मैं कुछ आपको एक दो सजेशन दूंगी और आई एम श्योर कि वो आपको समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। अब शुरुआत करते हैं कि बच्चा सुबह नहाता है और उसके बाद वो कपड़े पहनता है और कपड़े अक्सर पेरेंट्स निकाल के खुद से देते हैं कि आपके कपड़े पहनो। आजकल बच्चे घर पर हैं, उनको चॉइस दीजिए। अब आप अलमारी के सामने ले जाइए और उनको बोलिए कि ठीक है बेटा, आज आप अपने आप कपड़े सिलेक्ट करेंगे और आप अपनी मर्जी से जो आप पहनना चाहते हैं वो पहनिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि कपड़े उस टाइम में आपने वही वहां पर रखे हैं जो आप चाहते हैं बच्चा पहने। अब बच्चा कपड़ा उसने अपने हिसाब से सिलेक्ट किया और कंफर्टेबल कपड़ा ही रखेंगे आई एम श्योर आप। अब बच्चा जो है तो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको चॉइस मिली, वो बहुत मोटिवेटेड फील करेगा और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अब इससे क्या हुआ कि आपने कुछ किया नहीं बट सिर्फ एक छोटी सी एक ऐसी एक्टिविटी करी जिससे बच्चे को ये फील हुआ कि वो एक इम्पोर्टेंट सदस्य है घर का, जहां पर उसकी चॉइस भी मैटर करती है और इससे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो बच्चे की है वो धीरे धीरे बढ़ती है। अब इसी तरह आप और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि जब बच्चा अपना पढ़ाई का काम कर लेता है तो उसको किताबें किस तरीके से रखनी है वो बताई जा सकती है। लेकिन ये सब चीजें एक बहुत ही फन एक्टिविटी के मैनर में होनी चाहिए, जहां पे बच्चा जो है उसको ये एहसास ना हो कि मुझे ऑर्डर दिया गया या मुझसे ये कहा गया ये जाकर करो। क्योंकि अगर ऐसा किया तो बच्चे अक्सर जिद पकड़ लेते हैं और वो चीज को नहीं करते। तो इसलिए आपको बहुत ही प्यार से जो भी काम करवाना है वो आप करवा सकते, जैसे कि खेलने के बाद में अपने टॉयज को वापस रखना वो आप बच्चे से करवा सकते हैं, अपने चप्पल जूते जो है कहाँ रखने चाहिए वो आप उससे करवा सकते हैं और फिर आप भी साथ साथ में वो चीज करिए। तो बच्चा आपको भी देख रहा है और साथ साथ में उसको लग रहा है कि ये मुझे भी करना चाहिए, क्योंकि आपने कहा नहीं है बट उसे लगेगा कि मुझे भी करना है तो वो करना शुरू कर देगा। इसी तरह से टेबल के ऊपर अपनी अपना ग्लास है, अपनी प्लेट है उठा के सिंक में रखना, ये सब भी छोटी छोटी चीजें बच्चे से आप फिर करवा सकते हैं। डरिए मत, कोई बात नहीं,
अगर बच्चा कोई चीज तोड़ भी दे तो उसको आपने बच्चे को डांटना नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने डांट दिया तो दूसरी बार फिर आप दूसरी बार एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बच्चे से कि वो काम करके देगा। इसी तरीके से आप जब बच्चा नहाता है तो उसको वहां पर भी इम्पोर्टेंट नहीं करना, उसको समझाइए, सिखाइए, बताइए कि किस तरीके से साबुन लगाते हैं, किस तरीके से पानी डालते हैं, किस तरह से अपने को साफ करते हैं, और फिर उसको कहिए कि ठीक है आज हम देख रहे हैं, अब आप खुद से करेंगे। लेकिन नहाने का काम अपनी निगरानी में करना बहुत जरूरी है छोटे बच्चों के साथ, और बच्चे जो है धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, और ये पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी जो है, ये कदम जो बढ़ रहा है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह से अक्सर ये भी देखा गया है कि माता पिता बहुत शिकायत करते हैं कि जब बच्चा जिद पकड़ता है तो वो इस तरीके से जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है या लौटने लगता है, तो हम उस समय में क्या करें। अब ये फिर जानना और समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे टाइम पे बच्चे जो है वो अटेंशन डिमांड कर रहे हैं, तो जनरली बच्चे जो होते हैं वो अटेंशन सीकर होते हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना है, हमें बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना है। अब हम कैसे डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस उस टाइम जब बच्चे ने कोई चीज की जिद पकड़ी हमें सिर्फ ये कहना है कि बच्चा बेटा बस मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए, मेरा एक फोन बहुत इंपॉर्टेंट आया है, मैं एक जरा फोन अटेंड कर रहा हूँ, या किचन में कुछ बहुत कुछ चीज चल रही है या मुझे किचन में जाना है, तो मुझे सिर्फ एक मिनट के लिए टाइम दीजिए, मैं अभी आती हूँ। अब उससे क्या हुआ कि आपको भी टाइम मिल गया थोड़ा सा, बच्चे को भी टाइम मिल गया, और उसके बाद ना आप जोर से चिल्लाएंगे और गुस्सा होंगे और बच्चा भी जो है वो डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमें करने से हम बच्चों की एनर्जी भी चैनलाइज कर पाते हैं, उनका ये जो आजकल का जो जिद्दी बिहेवियर होता जा रहा है उसको भी हम चेंज कर पाते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि बच्चों के अंदर में बहुत सारे लाइफ स्किल्स जैसे कि डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये स्किल्स उनके अंदर में आते जाएंगे और एनर्जी भी उनकी चैनलाइज हो जाएगी, और घर में रहते रहते ये सारी चीजें जो वो स्कूल में सीखा करते थे वो घर में ही कर पाएंगे।